रोजाना 2 मिनट ये कर लें, आपका फेस इतना ग्लो और टाइट हो जाएगा कि आप 18 साल के लगने स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ, आज आपको मैं ऐसी ही एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जो आपकी स्किन पे नेचुरली ग्लो लेकर आएगी और आपकी स्किन को कर देगी बिल्कुल टाइट। जितने भी रिंकल है, फाइन लाइंस है, सब चले जाएंगे। तो देरी मत कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सुबह हो, रात हो, दिन हो, हमेशा मेरी बताई हुई एक्सरसाइजेस फॉलो करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फेसबुक पे मेरा चैनल नेम है हेल्थ टाइम, उसको जरूर फॉलो करें, लाइक करें, वहां पे भी जाके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो देरी किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो मैं एक्सरसाइज करके बता रही हूँ ये लाइन पोज है। इससे क्या होता है, अगर आप जैसे आपको करके दिखाऊंगी, इससे आपकी जितना भी पफीनेस है, डार्क सर्कल है, पैचीनेस है, मतलब सब आपके फेस से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, ये डार्क सर्कल, पैचीनेस, कॉम्प्लेक्शन बहुत डल हो चुका है, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और जिनको अगर थायराइड है उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी ये थायराइड यानी गले की जो ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, उस पर इफेक्ट देता है और वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। आपको पोजिशन यही रखनी है, लेग्स इस तरह से फोल्ड करके ब्रॉड कर लेना है, आपको अपने हैंड्स यहाँ रखने हैं इस तरीके से, जीभ आपको अपने एक्सप्रेशन पूरे लाउड करने हैं और आवाज करनी है। जितना तेज आप घट जाएंगे उतने ही आपके एक्सप्रेशन लाउड होंगे। अगर ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद आपको क्या करना है, अपने गले को इस तरह से मसाज देना है, इससे आपका जो थायराइड ग्लैंड है उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और जबकि थायराइड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने गले को इस तरीके से आराम देना, रिलैक्स हो जाना है। आपको दोबारा जितना आप लाउड कर सकते हैं इस चीज को उतना लाउड करेगा, उतना आपके क्या होगा, नेचुरली आपके फेस पे ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको बहुत सारी क्रीम्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको सेकेंड टाइम करके दिखाती हूँ एक्सरसाइज। ऐसे करने से क्या होगा, आपके पूरे एक्सप्रेशन यानी आपके चेक बोन हाईलाइट होगा, आपका फेस का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, जिसके लिए बहुत महंगे महंगे फेशियल्स करवाते हैं, क्रीम लगवाते हैं, ये आपके पूरे फेस पे निखार ले आता है। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप खुद देखेंगे आपका फेस रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इंस्टेंट ब्लड सर्कुलेशन हमारे फेस पर उतर आता है। बहुत अच्छा है, दिन में एटलीस्ट 5-6 बार इस एक्सरसाइज को जरूर फॉलो करना, बहुत जल्दी ग्लो लेकर आएगा। अब बारी आती है सेकेंड एक्सरसाइज की। अगर आप अपने फेस के चेक बोन हाईलाइट करना चाहते हैं, जिसके लिए गर्ल्स कंटोरिंग करती हैं, हम लोग स्पेशली कंटोर करते हैं अपने चेक बोन हाईलाइट करने के लिए, जो बहुत फैटी होती हैं, उसको इस तरीके से फेस करना है, पाउट करना है, अंदर की तरफ सक करना है एयर को। कुछ सेकंड पोजीशन होल्ड करिए, देन रिलैक्स हो जाइए। जितनी बार भी, जब भी आपके पास टाइम हो, उससे आपका नेचुरली आपके चेकबोन हाईलाइट हो जाएगी, आपके फाइन लाइन, रिंकल, सब बुढ़ापा बिल्कुल नहीं आएगा समय से पहले। बेस्ट है। थर्ड एक्सरसाइज बता देती हूँ आपको। इसके लिए आपको अपनी जॉ लाइन नीचे की तरफ करनी है, इससे आपका ये एरिया, जैसे मेरा बोन देख रहे हैं, आपका ये भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉपर कट आ जाएगा फेस में। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आपको इसको करना है। अब बारी आती है फोर्थ एक्सरसाइज की। फोर्थ में आपको क्या करना है, अपनी चिक्स को जब आप सुबह उठते हैं तो आपको अपने हैंड्स रब करके बिना आंखें खोले, जब आप बेड पर होते हैं, ये हमारे घर में दादी नानी, हमारे सब एल्डर्स जितने भी होते हैं, हमें यही सजेस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं करते, क्रीम्स पे ज्यादा भागते हैं। आपको क्या करना है, बेड में जैसे आप उठ गए, आंखें आपको बंद ही रखनी है, आपको अपने पाम को, ऐसे हथेलियों को रब करना है, क्योंकि इनमें जब हीट जनरेट हो जाएगी तो आपको अपने फेस पे मसाज करना है, पूरे अपने फेस पे, अपने चेक बोन पे, अपने सारे एरिया पे, अपनी आईज पे। इससे आपकी जो आईज की पफिनेस है, आंखें बहुत ज्यादा सूज जाती हैं जिन लोगों की, यहाँ से बहुत मोटी हो जाती हैं, ये डार्क सर्कल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इससे वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बारी आती है फोर्थ एक्सरसाइज की। फोर्थ में आपको क्या करना है, अपना टंग, जीभ जो है, अपनी नोज से टच करने का ट्राई करना है, इससे आपकी ये वाली जॉ लाइन जो है ये हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ का फैट रिड्यूस हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है इससे फेस का। पोजीशन कुछ सेकंड होल्ड करिए, देन दोबारा अगेन रिपीट करना है। जितना हो सकता है सारी एक्सरसाइज फॉलो करो डेली, 5-10 मिनट्स लगते हैं, हमेशा फॉलो करो।
अब आपको क्या करना है, अपने फेस को ऐसे पिंच करना है, आईब्रो से लेकर अपने ये चेक बोन एरिया तक आपको अपने फेस को ऐसे पिंच करना है। इससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इससे हमें एजिंग नहीं आता, पिंपल एक्नी प्रॉब्लम चला जाता है। तो आप सेम एज इट इज मुझे फॉलो करिएगा। आपको सेम ये करना है, जैसे टाइम मिले एटलीस्ट आपको 7-8 सेकंड तक इसको करना ही करना है। आपका बहुत जल्दी फेस का ग्लो बढ़ता जाएगा, लेकिन एक्सरसाइज में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको इसको रेगुलर टाइमिंग देना होगा, तो 1 मंथ में आपके अंदर चेंजेस नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखा आपने कितनी इजी एक्सरसाइज है, कितना इजीली आप इनको फॉलो करके खाना बनाने के साथ, खाना बनाने के बाद, सोने से पहले और उठने के बाद हमेशा इन एक्सरसाइज को फॉलो करके अपने फेस का नेचुरल ग्लो बढ़ा सकते हैं, अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, जवान रह सकते हैं, साथ में अपने फेस का फैट भी खत्म कर सकते हैं। तो देरी मत कीजिए, रोजाना एक्सरसाइजेस करिए, लेकिन एक्सरसाइज के साथ में डिपेंड करता है आपको हेल्दी डाइट लेना। अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे तो डेफिनेटली आपके इंटरनली ग्लो आएगा, जिसके लिए आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा चाहिए और पूरे दिन में बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। अगर आप ये सारे टिप्स मेरी फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके फेस का ग्लो नेचुरली बढ़ जाएगा, आपको बहुत ज्यादा महंगी क्रीम्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।